अपने जिल को आप किस तरह से फेशियल कर सकते हैं और अपनी लटकी हुई जिल को बगैर सर्जरी से आप वापस किस तरह से टाइट कर सकते हैं, चाहे आपके वो फेस की स्किन है चाहे आपकी बॉडी की स्किन है। हमारी स्किन लटकी हुई बहुत ही बदनुमा लगती है, चाहे वो हमारी बॉडी के किसी पार्ट की स्किन हो या फिर हमारे चेहरे की स्किन हो, क्योंकि ये हमारा जो फेस है हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे ओवरलुक का सबसे मेन पार्ट होता है। तो अगर हमारी स्किन लटकी है या बदनुमा लगती है या अच्छी नहीं है या हमारे बॉडी पार्ट की किसी भी हिस्से की स्किन लटक रही है तो वो एक बैड लुक देती है। तो इस नुस्खे को आप आजमाएं, जरूर इस्तेमाल करें, इससे इंशाल्लाह आपको इस्तेफादा होगा और आपको किसी भी केमिकल या कॉस्मेटिक सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ेगी ये टोटका इस्तेमाल करने के बाद इंशाल्लाह। सो फ्रेंड्स, चलते हैं हमारे इन अज्जा की तरफ जो आपको इस मास्क में बनाने के लिए आपको चाहिए। इसमें आपको चाहिए ब्राउन शुगर 4 चाय का चम्मच, अंडे की जर्दी आपको चाहिए 1 अदद, जैतून का तेल चाहिए आपको 1/4 कप, यानी कि 1 कप का आपने बिल्कुल लास्ट वाला पार्ट लेना है 1/4 कप, ठीक है। तो उसमें आपको फिर चाहिए शहद 2 खाने के चम्मच और कटी हुई कीवी या नाशपाती जो भी आपको अवेलेबल है, जिस भी सीजन में आपको कीवी एक फ्रूट है, अगर आप कीवी को अवेलेबल है तो वो यूज कर सकते हैं या फिर आप नाशपाती यूज कर सकते हैं, वो आपको चाहिए 1/3, यानी कि आपने 1/4 पीस उसका लेना है। एक नाशपाती लेते हैं आप, उसके 4 पीसेस करते हैं और उसमें से आपने सिर्फ 1 पीस यूज करना है। इसके बाद खीरा भी आपको चाहिए हाफ, खीरा आपको चाहिए हाफ और मायोनीज चाहिए आपको 2 खाने के चम्मच। इसके बाद आपको चाहिए एवोकाडो का तेल, ये भी एक फ्रूट है एवोकाडो, या फिर आप आड़ू का तेल ले सकते हैं, अगर आपको वो अवेलेबल नहीं है एवोकाडो तो आप आड़ू का तेल ले सकते हैं, आपको वो चाहिए 4 खाने के चम्मच और ग्लिसरीन आपको चाहिए 2 खाने के चम्मच और अल्फा हाइड्रोक्स एसिड क्रीम है ये आपको चाहिए 2 खाने के चम्मच। अगर आपको ये अवेलेबल नहीं है कहीं आपको किसी स्टोर से, मेडिकल स्टोर से या किसी भी कॉस्मेटिक स्टोर से अगर आपको ये ट्यूब नहीं मिलती, ये क्रीम नहीं मिलती, तो आप इसको छोड़ भी सकते हैं, आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, बाकी सब चीजें आप डाल सकते हैं। तो चलते हैं हमारे प्रोसेस की तरफ कि आपने इसको किस तरह से बनाना है और किस तरह से इस्तेमाल करना है। इसके लिए आपने सबसे पहले लेना है ब्लेंडर और ब्लेंडर में आपने इन सब चीजों को डालकर अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेना है, जिसमें आपने ब्राउन शुगर लिया था, अंडे की जर्दी ली थी, जैतून का तेल लिया था, शहद लिया था और कटी हुई आपने कीवी ली थी या नाशपाती ली थी, खीरा लिया था, मायोनीज ली थी, एवोकाडो या फिर आड़ू का तेल लिया था और ग्लिसरीन ली थी और अल्फा हाइड्रोक्स एसिड क्रीम थी, जो कि अगर आपको अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं और अगर अवेलेबल नहीं है, आपको कहीं से नहीं मिल रही तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। ये सब चीजें आपने इसको ब्लेंडर में डाली और आपने इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करके एक अच्छी सी क्रीम बना लेनी है। फिर आपने क्या करना है कि रोजाना इस क्रीम को चेहरे पर, हाथों पर और जिस्म पर लगाकर आपने तकरीबन 30 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देना है। आपके बॉडी पार्ट से, आपके स्किन के किसी भी पार्ट से आपकी स्किन लटक रही है तो आप उसको, उस एरिया पे इस क्रीम को अप्लाई करें। इसको 30 मिनट्स आपने लगा रहने देना है, उसके बाद आपने धो लेना है और इस क्रीम से आपके चेहरे और गर्दन की जो ढलकी हुई जिल्द है, जो कि आपकी स्किन लटक रही है, और चेहरे की जो झुर्रियां हैं और आंखों के इर्द गिर्द जो आपके गड़े पड़े हुए हैं वो आपके सब खत्म हो जाएंगे, जिसको आपको फिट्स कहते हैं, आपकी आंखों के पास जो गड़े पड़ जाते हैं और एक लाइन नजर आने लग जाती है उसको हम कहते हैं क्रो फिट्स। तो उन क्रो फिट्स से भी आपकी निजात मिल जाएगी इस क्रीम से। तो देखिए इस क्रीम के आप कितने सारे फायदे हैं और इससे आप कितना फायदा उठा सकते हैं और अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने हाथों पर और अपने बॉडी के किसी भी पार्ट पे आपको फील हो रहा है कि आपकी स्किन लटक रही है तो आप इसको लगाएं सिर्फ 30 मिनट्स के लिए। हाथों और पांव की जिल्द पे भी लगाएं, अगर आप उनको मजीद खूबसूरत करना चाहते हैं तो वहां भी आप लगा सकते हैं। इसके साथ साथ आपकी स्किन भी निखर जाएगी और अच्छी हो जाएगी, आपकी जो ढलकी हुई लटकी हुई स्किन है वो ठीक हो जाएगी, आपकी आईज के पास जो क्रोफिट्स हैं वो भी खत्म हो जाएंगे। और इस क्रीम में अगर आप अल्फा हाइड्रोक्स एसिड क्रीम डाल लें तो मजीद बेहतर नतीज निकलेंगे, लेकिन अगर आपको वो अवेलेबल नहीं है तो आप उसको छोड़ सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ये क्रीम 2 साल तक के बच्चों की रंगत निखारने के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं।
क्योंकि बार दफा हमारे फैमिलीज में या हमारी सोसाइटी में जब बेबीज होते हैं तो वो पहले तो उनका कलर ठीक होता है, अच्छा होता है, लेकिन उसके बाद क्योंकि मदर्स समटाइम केयर नहीं करती हैं या फिर उनको खुले में धूप में रखती हैं तो उनकी स्किन खराब हो जाती है, ब्लैक होना शुरू हो जाता है उनका कलर। तो आप 2 साल के बाद के बच्चों के लिए आप इस क्रीम को लगा सकते हैं ताकि उनकी आप स्किन निखार सके। सो, इसके अलावा आप इसको नाइट क्रीम के तौर पर भी यूज कर सकते हैं, मतलब आप इसको रात को लगाएं तो ज्यादा बेहतर है क्योंकि रात को हमारी स्किन रिलैक्स होती है और बहुत ही काम होती है, तो हम उस पर जब भी कोई भी क्रीम या कोई भी मास्क अप्लाई करते हैं तो हमारी स्किन उसको ज्यादा अच्छी तरह से अपने अंदर अब्जॉर्ब करती है और उसके हमें बेस्ट से बेस्ट रिजल्ट्स मिलते हैं। आप इसको नाइट क्रीम के तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको दिन में चाहें तो 30 मिनट्स के लिए लगा लें और उसके बाद अपना चेहरा वॉश कर लें, या रात को आप चाहें तो इसको लगा लें और इसके बाद आप 30 मिनट्स वेट करने के बाद आप इसको धो सकते हैं। 2 साल तक की उम्र के बच्चों की रंगत निखारने के लिए भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सो, इस क्रीम के इतने सारे फायदे हैं कि आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने अगर बच्चों की रंगत साफ करना चाहते हैं तो उनको भी अप्लाई कर सकते हैं। इससे आपकी ढलकी हुई स्किन ठीक हो जाएगी, आपके चेहरे की झुर्रियां खत्म हो जाएंगी, स्किन पे जितने आपके दाग धब्बे हैं वो खत्म हो जाएंगे, आपकी कोफिड्स जो आईज के पास हैं वो खत्म हो जाएंगे और आपकी स्किन भी लाइट हो जाएगी, आपकी रंगत भी इससे साफ हो जाएगी। इतनी मेहनत से वीडियो बनाई है, एक लाइक तो बनता है ना, और दूसरा ये कि आप हमें इतनी बड़ी दुनिया में दोबारा कैसे ढूंढेंगे, तो इसका हल ये है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस बेल के आइकन को क्लिक कर दीजिए, इस तरह हमारे आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंचती।